अगला सवाल भी लेता हूं मैं मयूर का, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मयूर जी। मयूर आपका नाम क्या है पूरा? मयूर रोम। रोम 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 का बगल से कोई बोल रहा, रोमियो बोलो ऐसा? नहीं। कौन से बगल में आपके दोस्त हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो टीवी चल रहा है। अच्छा बताइए मयूर जी क्या सवाल है आपका। तो नमस्कार नीरज जी गावा सर, तो मेरा सवाल है सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मेरे पास 60 शेयर है 280 के भाव में, और मेरा नजरिया 3 से 4 महीने का रुकने का है, और तो ये ऑलमोस्ट और कहाँ तक जा सकता है या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? यार पैसा तो आपका बन रहा है, अच्छा डबल हो गया गावा सर, मुनाफा हो रहा है इनको तगड़ा, लेकिन ये कह रहे हैं और चाहिए, दिल मांगे मोर, 6 महीने और रुके क्या? सबसे पहले एक स्टॉप लगाएं, वो स्टॉप होना चाहिए 500 के नीचे, ट्रेलिंग स्टॉप। अब ट्रेड कर रहा है 525, मतलब 25 रुपए का डिफरेंस है। अब इसको ट्रेंड को राइड करना चाहिए, अगर 525 से 550 हो जाता है तो स्टॉप को लगाइए 525, डिफरेंस 25 ही रखिएगा। जब तक इसको जाता है जाने दीजिए, एक बार 25 कट हो गया आपका, आप निकल जाइएगा, तो आपका रिस्क 25 का ही है। राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड एचपीसीएल। ओके, तो 500 के स्टॉप लॉस पे आप रहिए मयूर जी, अगर वहाँ से टूटे तो आप निकल जाए तब भी आपका मुनाफा होगा। ओएमसीज में एक ही रिस्क है कि अगर सरकार ने दाम कटवा दिए पेट्रोल डीजल के तो कंपनियों पे एक प्रेशर आ जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होने वाली है अगले हफ्ते, उसके बाद तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ कंपनी है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इसलिए इनको ये कर सकती हैं, इनके लिए कोई रोक नहीं है, दे कैन डू इट, ये इनका अपना डिसीजन हो सकता है। खैर एनीवे, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 500 पे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर वहाँ टूटता है तो फिर आप निकल जाइएगा, फिर बाद में अगर मौका मिलेगा तो हम लोग फिर री एंट्री के लिए देखेंगे लेवल किस में।